बीजेपी ने ढूंढा अपना दल का विकल्प, राजा से दोस्ती सब पर पड़ेगी भारी। बीजेपी को प्यारी राजा भैया की यारी। बीजेपी के पुराने दोस्त रूठे हुए हैं, टूट कर बिखर कर और रूठ कर किसी और के घर में डेरा डालने की फिराक में है। तो नए भारत की बात कहने वाली बीजेपी, उनके नीतिकार नई संगठित रणनीति बनाने में माहिर हैं। गठबंधन में किसी दोस्त ने हेकड़ी दिखाई तो उस हेकड़ी की ठसक को तोड़ने में माहिर दिखती है बीजेपी। शायद इसलिए 2014 के दोस्त 2019 में सियासी दुश्मन बन जाएं तो अचरज नहीं करना चाहिए। बीजेपी को प्यारी राजा भैया की यारी। राजा भैया की पार्टी का बीजेपी से होगा गठबंधन। प्रतापगढ़, कौशाम्बी और उन्नाव से उतारेंगे उम्मीदवार। उन्नाव से खुद राजा भैया ठोकेंगे ताल। लोकसभा चुनाव 2019 में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में गठबंधन का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां सपा बसपा गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें मिली हैं, प्रतापगढ़ जिले से निर्दलीय विधायक कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने 3 सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक अगर राजा भैया को 3 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी से गठबंधन होगा। बताया जा रहा है कि राजा भैया ने यूपी की प्रतापगढ़, कौशाम्बी और उन्नाव सीट पर दावा किया है। यही नहीं, अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो राजा भैया उन्नाव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लीजिए, सियासत के शतरंज की बिसात पर प्यादों की अदला-बदली जारी है। कांग्रेस के खेमे में जहां अपना दल के जाने की अटकलें उड़ रही हैं, तो उसके विकल्प के तौर पर बीजेपी ने भी अपने तुरुप का इक्का तैयार कर लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी की ओर से इलाहाबाद बेल्ट में विरोधियों के खिलाफ राजा भैया की दहाड़ सुनने और देखने को मिलेगा।